गुडुआ कब आए? अम्मा बेटी की सगाई होने की बधाई देने आया। अच्छा सब कुछ राजी खुशी से हो गया होगा ना? हाँ वही हुआ ही होगा जिसकी वजह से ये रिश्ते का बीज पड़ा था, उसे बताना जरूरी नहीं समझा। पर बताते भी क्यों, अब तो हमारी जरूरत ही नहीं है। अम्मा हम कह रहे थे ना, ये रंजू और इसकी बेटियों का जिंदगी का बस एक ही मकसद है, जब मौका मिले जहां मौका मिले गुड्डू मिश्रा की बेइज्जती करें। और यही किया ना इन लोगों ने। अम्मा इस रिश्ते के लिए हमने भी तो बात की थी बच्चू पांडे से, लेकिन तब मां बेटी ने एक ही सुर में हमारी बात काट दी थी और आज हमें दरकिनार करके वो इस रिश्ते के लिए राजी भी हो गई हैं। और अब ये सब देखकर बात तो एकदम साफ हो जाती है ना। अरे गुड्डू तू अपने दिमाग से फालतू बात निकाल दे। अरे सालू तू शादी के लिए हाँ भी नहीं की थी। अरे वो कहा माँ, ये तो हाँ भी हो गई है और सगाई भी। अम्मा ये सब मिलकर आपकी आंखों के सामने पर्दा डाल सकती है, लेकिन हमारे नजरों के सामने नहीं। ये रंजू और इसकी बेटियां ये सब हमसे सिर्फ नफरत करती है और इस नफरत का जहर बोया है इस रंजू ने। और वो भी एक काम। मिश्रा जी बात पूरी कीजिए ना, वो भी आपकी छोड़ी हुई औरत। बस आप ही का कहना बाकी था, कह लीजिए आप ही। लेकिन मिश्रा जी ये जो घाव है ना, ये तो बहुत पहले भर चुका है। अब इसे आप पूरे देंगे भी ना तो भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि हमने सच्चाई अपना ली है। और अगर आप भी सच्चाई अपना लेंगे ना तो सही और गलत का फर्क जान जाएंगे। फर्क तो हम समझ गए रंजू, आज के बाद हम इस दहलीज पर कभी कदम नहीं रखेंगे। आज के बाद हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं,